फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज आपके लिए शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर मलाई से मक्खन बनाने का एकदम यूनिक तरीका। तो उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर एक बड़ी परात और ये मलाई जो है 10 दिन की है। तो मलाई को मैंने परात में निकाल लिया है। बर्तन आपको बड़ा ही लेना है, इसकी जगह आप बड़ा भिगोना भी ले सकते हैं। तो थोड़ी मलाई और है, मैं इसको भी इसमें निकाल देती हूँ। तो सारी मलाई को मैंने इसमें परात में निकाल दिया है। अब इस चम्मच की सहायता से इस मलाई को परात में अच्छे से दबा दबा के, जो इसकी गुठली हो रही है ना, जम रही है, फ्रिज से निकाला था जैसे कि, वो हम इसको तोड़ लेंगे, अच्छे से फैला देंगे परात में। अच्छे से फैला लेना है क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़ा ये आ जाएगा। तो सारी मलाई को ऐसे ही चम्मच की सहायता से फैला लेंगे परात में। देख सकते हो मैंने किस तरह फैलाया, दबाना है, जो गांठें हैं इसकी लम्ब से ये टूट जाएंगे चम्मच से जब दबाओगे। तो इसी तरीके से फैला लेंगे। तो यहाँ पर एक सीक्रेट जो है इंग्रेडिएंट्स जो मुझे डालना है, तो मैंने ली है यहाँ पर चीनी। चीनी को सारी मलाई पे अच्छे से छिड़क देंगे। तो यहाँ पर छोटी चम्मच ली है मैंने, 2 चम्मच चीनी ली है, मलाई के ऊपर ऐसे फैला देंगे इसको। फ्रेंड्स, यदि आप चीनी डालोगे तो मलाई से जो मक्खन निकलेगा बहुत जल्दी निकल आता है। अब इस चीनी को हम मलाई में मिला देंगे। चीनी डालने से मक्खन जल्दी निकलता है और ज़्यादा निकलता है। तो आप भी जब मलाई से मक्खन निकालो तो एक बार चीनी ज़रूर डाल कर देखना। तो यहाँ पर मैंने चीनी को मलाई में मिला दिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ गई है। अब लिया है यहाँ पर मैंने एक गिलास, चौड़ी तली का गिलास हो तो वही लेना है, और इस तरीके से धीरे धीरे करके ऐसे मलाई के ऊपर फिराना है इसे। तो फ्रेंड्स, ये मलाई से मक्खन बनाने का बिल्कुल यूनिक तरीका है। इसमें ना बिजली का खर्च होता है और ना ही हाथ दुखते हैं। 5 मिनट भी आपको नहीं लगेगी, मलाई से मक्खन निकल जाएगा। एक बार आप अवश्य ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। हर बार आप ऐसे ही बनाओगे, चाहे कितनी भी मलाई हो, वो जल्दी बन जाता है और मक्खन भी दुगना निकलता है, और ना हाथ थकते और फटाफट मक्खन निकल जाता है। तो इसी तरीके से आपको ये गिलास को चलाते रहना है। बिल्कुल आप जब मलाई से घी बनाओ, मक्खन बनाओ, तो घड़ी में देख करके बिल्कुल आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जितना टाइम आपको लगेगा वो मलाई को परात में फैलाने में ही लगेगा या ठंडा करने में लगेगा, मक्खन निकालने में बिल्कुल भी टाइम आपका लगने वाला नहीं है। आप देख सकते हो मुझे ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट भी नहीं हुए अभी, और ये मक्खन जो है, मक्खन से इसका जो दूध है, मट्ठा है, वो अलग होने लगा है। आप देख सकते हो 2 मिनट भी नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मट्ठा इसका अलग हो गया है, अभी 2.5-3 मिनट हुए मुझे। तो यहाँ मक्खन अलग हो गया है, देख सकते हो फ्रेंड। और अब डाल देंगे हम इसमें पानी। आप इसमें नॉर्मल पानी डाल सकते हैं या फिर ठंडा पानी भी आप डाल सकते हो। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना मक्खन निकल आया है। अब गिलास से जो मक्खन लगा है इसको भी हम हटा लेंगे, इस पे से साफ कर लेंगे।
तो मैंने गिलास से मक्खन हटा लिया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कितनी जल्दी मक्खन बनकर तैयार हुआ है। तो इसका जो मट्ठा है वो अलग हो गया है। हम ऐसे भी मक्खन निकाल सकते हैं या फिर इसको जो है किसी छोटे बर्तन में आप पलट लो, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो मट्ठे में से मक्खन। तो फ्रेंड्स देखिए कितना मक्खन निकल गया है। अब इसी तरीके से सारा मक्खन इस छाछ में से निकाल लेंगे। तो सारा मक्खन मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। अब हम इस मट्ठे को भिगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उससे जो सारा मक्खन है वो निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना मक्खन निकल के तैयार हुआ है और ये मट्ठा भी बनकर तैयार हो गया है ना। अब तो मैंने इसमें जावन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, नहीं मैंने इसमें दही डाली, बस एकदम मलाई से मक्खन निकाला है और बिल्कुल अलग तरीके से। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में।